मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कूलर कैसे बना सकते हैं, वो भी घर में इजीली अवेलेबल चीज़ों के साथ, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़े। तो चलिए बनाते हैं कूलर, ताकि इस गर्मी को हम बीट कर सकें। हम बना रहे हैं पाइनएप्पल सोडा कूलर, और इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, पाइनएप्पल सोडा, नींबू, मिंट लीव्स एंड आइस। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बॉटल, जो हर किसी के घर में मिलता है, ये पाइनएप्पल जूस है, इसको हम बॉटल में डालेंगे। पाइनएप्पल सोडा बनाना है तो सोडा तो ऐड करना ही पड़ेगा। जब भी मैं कोई मिल्क शेक बनाती हूँ या जूस बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि थोड़े वो फ्रूट के का रियल पल्पी टेस्ट मिले। तो अगर आप चाहते हो तो आप पाइनएप्पल काट सकते हो और छोटे छोटे इसके पीसेस बॉटल के अंदर डाल सकते हो। नींबू, मिंट लीव्स, गर्मी को बीट करने के लिए आप ये बहुत ही सिंपल पाइनएप्पल सोडा बना सकते हैं। 5 मिनट बन जाता है एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग, मज़ा आ रहा है ये पी के इतनी गर्मी में। जैसे कि आपको पता है, आजकल यानी कि समर्स का मौसम है, गर्मियां बहुत पड़ रही हैं और किसी तरह भी राहत नहीं मिलती है इंसान को, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक 2 मिनट्स रेसिपी बता रहा हूँ, जिससे आप एकदम ठंडे हो जाएंगे इसको पीने के बाद। इट्स वेरी सिंपल रेसिपी, कोकोनट वाटर, वाटरमेलन, सम लाइम एंड सम मिंट। इट्स वेरी इजी टू मेक इट, आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट। जेनरसली डालिए ताकि इसमें आपको कलर भी आएगा। अवॉइड करें तो बेहतर होगा, बिकॉज कोकोनट का अपना भी टेस्ट होता है और वाटरमेलन एज इट इज थोड़ा स्वीट होता है, तो आई थिंक इफ यू डोंट ऐड एनी शुगर वुड बी बेटर। हाँ देखिए, इसको हमने मिला दिया और अब इसके ऊपर हमने डाल दिया कोकोनट वाटर। नहीं, ये एक तो बड़ी हेल्दी ड्रिंक भी है, क्योंकि इसमें आपको कोकोनट वाटर भी मिलेगा। साथ थोड़ी सी लीव्स डाल देंगे, मिंट लीव्स, तो क्या एक उसमें इनहेरेंट टेस्ट आ जाएगा इसका। लुक एट द टेक्सचर, द फील ऑफ इट। हल्के हल्के इसमें देखिए उसके वो भी आ रहे हैं, टुकड़े भी आ रहे हैं वाटरमेलन के, एंड इसके ऊपर हमने कुछ लीव्स, मिंट लीव्स ऐसे डाल दी डेकोरेट करने के लिए।
आई एम रिधि. हाय आई एम दिशा. एंड हमें बहुत गर्मी लग रही है बिकॉज पता नहीं कहाँ से इतनी सारी गर्मी आ गई है. इस गर्मी को भगाने के लिए क्या बनाने वाले हैं? जूस. समर ड्रिंक. Well, let's start. वैसे मुझे I will, मैं दिशा की सू शेफ. Oh God. और दिशा सब कुछ करेगी. And because हमारे पास वाटरमेलन है, we can put a bit of watermelon. ये एक्चुअली मैं अपने घर में बहुत करती हूँ. जब मेरे घर में पार्टीज होती हैं या कुछ होता है, आई जस्ट पुट टू थ्री थिंग्स टुगेदर एंड कीप इट इन अ बिग जार. आई मेड अ समर गुड. मेरे पास उससे भी बेटर ऑप्शन है. आप दुकान में जाइए, जलजीरा खरीदिए, उसे काटिए और फिर आप सोडा ले लीजिए. ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, सो बी केयरफुल. Smelling so good. ये फ्लेवर्ड वाटर मैंने इसमें डाल दिया है. इसका बहुत 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 अच्छा फ्लेवर आता है. ट्रस्ट मी, यू मस्ट ट्राई दिस. मैं इसमें सोडा मिला दूँ? हाँ, सोडा मिला दूँ. ओके. है समर ड्रिंक जो बहुत क्विक है. एक्चुअली समर ड्रिंक्स, समर कूलर्स क्विक ही होने चाहिए बिकॉज इतना टाइम वेस्ट करेंगे अगर आप बनाने में तो पसीने छूट जाएंगे. एग्जैक्टली. सो आई थिंक इट शुड बी क्विक एंड ईजी, जो आप फटाफट बनाए और पी ले. ग्रैंड सरोवर के टिप्सी टेरेस पे हूँ, बट गर्मियाँ हैं और कुछ समरी मॉकटेल्स ज़रूर मैं लेने आई हूँ एबीपी के साथ. मैंगो स्ट्रॉबेरी पंच. मैंगो स्ट्रॉबेरी तो स्टार्ट करें. आइस क्यूब्स, मैंगो जूस और अब मैं क्रीम ऐड करने जा रही हूँ. बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा काम और बाकी है. मैंगो स्ट्रॉबेरी पंच विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. सेकेंड मॉकटेल है एंड इसका क्या नाम है? क्यूकम्बर डिलाइट्स. क्यूकम्बर डिलाइट्स. एंड इसकी क्विक रेसिपी? क्योंकि इट्स इजी मेथड, जस्ट पुट आइस, स्प्राइट और सेवन अप, एनीथिंग इज फाइन, एंड द क्यूकम्बर सिरप.
सो नेक्स्ट है पेरू चटपटा, सिर्फ गुआवा जूस रहेगा, आइस रहेगा, टबेस्को सॉस, सॉस भी, टबेस्को सॉस, लिटिल बिट स्पाइसी, लाइक स्पाइसी एंड स्वीट. अच्छा, नाइस नाइस नाइस. सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हो. घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. बहुत अमेजिंग बना. नमस्ते, हम हैं गौरी कुमारी शर्मा, पांचवी पास फ्रॉम बरेली. और गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है. ओबरॉय मेंशन में भी बहुत गर्मी लगने लगी है आजकल, तो हमने सोचा हम हमारी स्टाइल में कुछ बना दें जिससे ओबरॉय इसका दिमाग भी ठंडा रहे और हम भी कूल के कूल बने रहे. सबसे पहले तो पानी हमें चाहिए, हम जो बनाने जा रहे हैं छाछ उसके लिए. उसके बाद है दही. गर्मियों के लिए दही बहुत अच्छा होता है बिकॉज इट्स ठंडा, इट्स कूल फॉर योर बॉडी. एट द सेम टाइम वी हैव नमक, जीरा और धनिया. तो जैसे आप लोग जानते ही हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज अगेन ठंडा. ठंडी ठंडी छाछ रेडी हो गई है. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.